कंप्लायंस आज हम स्टार्ट करते हैं सी एस एस। आई टी में कोर्स मेरा कम्प्लीट हो गया है, आज हम स्टार्ट करते हैं सी एस एस। इसका है जो मैं बुक आपको की हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इस तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी एस एस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट सी एस एस डज, हाउ सी एस एस वर्क एंड रूल्स प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। सबसे पहले हम देखते हैं सी एस एस क्या होता है। सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मीन्स जो हमने HTML में हमने शीट्स क्रिएट की थी, जो हमने कोड लिखा था उसको हम स्टाइल करेंगे, स्टाइलिश बनाएंगे। देखें यहाँ पे देखें, इसका हेडिंग कलर पिंक हो गया, इसका सब हेडिंग का कलर पिंक हो गया। ये हम सारा इसमें CSS में करेंगे, HTML में ये सब कुछ नहीं होता था। देखो उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग CSS थिंग्स इनसाइड द बॉक्स। जिसमें ये बॉक्स है, बॉक्स में ये हेडिंग दी हुई है, पैराग्राफ तीन चार दिए हुए हैं, इसमें इस तरह हम इसमें करते हैं। अनस्ट आपको क्लियर समझ आएगा। ये देखें ये हेडिंग का सेक्शन बनाया हुआ है, ये एक पैराग्राफ का अलग सेक्शन है, दूसरे पैराग्राफ का अलग सेक्शन है, तीसरे पैराग्राफ का अलग सेक्शन है, सारे और ये मेन सेक्शन है। और इसके अंदर जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा हुआ है ब्लॉक, इन दिस एग्जांपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर शोन विद रेड बॉर्डर। जो है इन लाइन एलिमेंट, जो फुल लाइन जगह घेरते हैं वो है इन ब्लॉक लाइन, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये रेड लाइन वाले। और अगर उनके इन लाइन एलिमेंट कौन से हैं, जो हैं ग्रीन लाइन वाले, ये वाले जो सिर्फ जितना लिखा जाए उतनी ही जगह वो घेरते हैं। यहाँ पर देखें सी एस एस एसोसिएट स्टाइल रूल्स विद HTML। यहाँ पर देखें इन्होंने कहा हुआ है पी क्या है, सिलेक्टर। पी को सी एस एस में पी को सिलेक्ट किया है, और फिर अगर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है फॉन्ट फैमिली क्या है, एरियल। ये है डिक्लेरेशन। ये आपको जब हम करके दिखाऊंगी तब आपको सही तरह समझ आएगा। पहले दफ़ा बात देख ले जस्ट आप, ये देखें सिलेक्टर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे H1, H2, H3। और जो अंदर डिक्लेरेशन है वो भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, फॉन्ट फैमिली, एरियल, कलर येलो, फॉन्ट साइज, अगर जो जितनी भी आप चाहे जो भी यूज़ कर सकते हैं। देखें उन्होंने फिर वो दिखाया इसके कलर, वो हेडिंग कलर चेंज दिखाई हैं पैराग्राफ की। यहाँ एग्जाम्पल दिए, देखें पहले CSS ये वाला सारा जो ब्लू वाले में है, ये सारा है HTML का। जो नीचे है ये सारा CSS का। HTML तो आपको आती है, वो पहले मैं करवा चुकी हूँ। आगे देखें ये है CSS में क्या है, बॉडी। बॉडी मीन ओवरऑल, जितना हम इसमें लिखेंगे जो मैं जितनी मैं स्क्रीन शो हो रही है उसका, उसकी फॉन्ट फैमिली हो जाएगा, एरियल हो जाएगी, एरियल वेंड्रिया, ये तीन चार इसलिए लिखते हैं ताकि अक्सर ऐसे होता है जो अब वेबसाइट है हम बनाएं डिफरेंट लैपटॉप में, डिफरेंट मोबाइल में, टैब में ओपन होती हैं, तो हर मोबाइल में सेम नहीं होती फॉन्ट फैमिली। जिस मोबाइल में ये एरियल ओपन हो जाएगा, जिसमें ये वेंड्राना होगी वो हो जाएगा, जिसमें ये सेंसारिफ होगी वो ओपन हो जाएगी। आगे क्या है H1, H2, इसको इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, और उसको क्या है दी हुई वैल्यू क्या दी हुई है, कलर। कलर उन्होंने दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, ये देखें मीन्स हैश लगा के कलर जो कोड होता है ये नेट पे अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और पी को कलर कौन सा थी, देखें H1 H2 क्या था, ये H1 HTML में देखें, ये H1 इसका कलर, और H2 ये इसका कलर। उन्होंने क्या कर दिया, दोनों का कलर ये वाला कर दिया, ये उन्होंने उसकी वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट है पी, पी पी का कलर, पी है पैराग्राफ, पी ये दोनों में, ये पी है एक
एक पी ए और एक ये, इसका कलर इसने कर दिया ये वाला। हम इसके जब एक कलर कोड भी लिख सकते हैं और इसका नेम लिखते हैं पिंक रेड ब्लू, बेस्ट ये कलर कोड लिखना। ये मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। देखें यहाँ से सबसे पहले हमने HTML का फाइल क्रिएट करेंगे, इंडेक्स डॉट HTML। देखें ये फाइल क्रिएट हो गई है, ओपन भी हो गई है, और इसमें हम देखते हैं उसी को, चलो हमने कॉपी पेस्ट करके देख लेते, दिखा देती हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मेन चीज़ एक और है वो हम आपको पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे हम इसको। यहाँ देखें HTML5 का हम ले लेते हैं, डॉक फाइव ये हो गया। यहाँ पे हम हेडिंग से पहले टाइटल ले लेते हैं, जो भी हमें दें, इंट्रो। जो मर्जी हम यहाँ टाइटल ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, वेबसाइट दे देते हैं, जो मर्जी दे सकते हैं। और इसमें हम अपना HTML का कोड लिखेंगे, यहीं से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो तो आता ही है HTML ऑलरेडी। जस्ट बॉडी के अंदर वाला कोड हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे बॉडी के अंदर लिख देंगे, ये हमारे पास हो गया। इसे हम सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र पे जाके। एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, इसमें अभी ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ब्राउज़र ओपन हो गया, ये देखिए हमारे पास आ गया, सारा सेम हुई। ये देखिए ये वाला देखें, और जो हमने बुक में देखा था ये देखें सेम हुई है, बस उसका कलर स्कीम चेंज है और फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज है। वो हम सब कुछ CSS में करेंगे। CSS में इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सॉरी। और जब हम कहाँ पे पेस्ट करेंगे, हम एक अलग फाइल बनाएंगे CSS की, स्टाइल डॉट CSS एक्सटेंशन, इसके साथ CSS लगाएंगे मिला। देखें ये HTML की फाइल और ये होगी CSS की फाइल, दो फाइल बची हो गई। इसे हम करते हैं पेस्ट यहाँ पे। देखें पहले बॉडी को किया, बॉडी में ओवरऑल जितना भी हम लिखेंगे इसमें, जितना हम टाइप करेंगे, जो हमें शो होगा उसकी फॉन्ट फैमिली में ये वाली शो होगी सबकी। अगर हम अलग अलग की फॉन्ट फैमिली जाते, अगर एक पैराग्राफ के अलग या हेडिंग के अलग फॉन्ट फैमिली चेंज कर जाते, तो अब अलग की हर के चेंज सेपरेट भी कर सकते, चेंज कर सकते हैं। आगे H1 H2, इसका कलर ये वाला होगा, ये देखें पिंक, ये डार्क पिंक है। और कलर, और जब पी का कलर, पैराग्राफ का कलर और ये वाला शो होगा, तो हम जिस दो पैराग्राफ है हमारे पास और हेडिंग भी दो हैं, इन दोनों के हेडिंग कलर अलग अलग भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे सेव करती हूँ और ब्राउज़र में जाकर देखते हैं हम। देखें अभी तक चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ? सबसे मेन रीज़न ये है इसकी, CSS का, हमने इसको लिंक करना होता है, HTML को CSS के साथ हमें लिंक करना होता है। हम यहाँ पे जाके हेड के अंदर जाके और टाइटल से ऊपर लिंक, देखें ऑप्शन आ गया हमारे पास लिंक CSS, ये देखें स्टाइल डॉट CSS। इसे हम सेव करते हैं और अब जाके देखते हैं ब्राउज़र पे, देखें हो गया चेंज। हमने HTML और CSS को लाजमी लिंक करना होता है, तब भी वो सब कुछ शो होता है। अब देखें बिल्कुल कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों हेडिंग H1 और H2 दोनों के हेडिंग का कलर चेंज होना चाहिए, तो हम मैं यहाँ पे कर दूँगी, यहाँ से H2 ख़त्म कर देती हूँ, और सेव करती हूँ और दिखाती हूँ आपको ब्राउज़र पे, ये देखें।
Yeah.